अफसोसनाक खबर क्वेटा से, जिसके इलाके बुलेली में चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में दो FC एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। FC एहलकारों की जवाबी फायरिंग से दो हमलावर मारे गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक हमले में 8 से 10 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इससे मुतालिक डिटेल्स देंगे नुमाइंदा जियो न्यूज सलमान अशरफ। मैं इस वक्त कोयटा के मेन एयरपोर्ट रोड पे मौजूद हूँ। मेरी अगली सिमत में ये गजाबंद चेक पोस्ट है, बलेली चेक पोस्ट है, जहाँ से कोयटा से बार तरफ जाने वाले तमाम रास्तों की ट्रैफिक जाती है। और अगर इस रूट को देखा जाए तो ये मेन गजाबंद रूट है, जहाँ पे यहाँ से तकरीबन 300 गज के फासले में वो चेक पोस्ट है FC की, जहाँ पे अटैक हुआ। एक खुदकुश हमलावर जो सिक्योरिटी FC जराये से कन्फर्म करते हैं कि उसने अटैक किया। इस वक्त इलाके को मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है, किसी को भी आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं दी जा रही। अतराफ के जो इलाके हैं वहाँ तारीकी में डूबे हुए हैं, उन्हें सर्च किया जा रहा है कि आया हमलावर किस साइड से आया था और किस तरीके से सारा वाक़या वकूअ पज़ीर हुआ है। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस पूरी पिक्चर में आपको नज़र आएगा कि FC अहलकार खड़े हैं, ट्रैफिक को रवाना रखे हुए हैं और किसी को भी यहाँ से उस स्पॉट की जानब जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। BD टीम, पुलिस अहलकार और पुलिस के अफसरान को यहाँ से मौके की जानिब जाने की इजाज़त दी गई। और बाद अज़ां कई तो ऐसे थे जिनकी गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी करके वो पैदल यहाँ से स्पॉट की जानिब गए। जी